सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर। पता लगा कि पाकिस्तानी स्विमर ने दुनिया भर के स्विमर को आगे लगा के रखा है। ये हम मजाक से मुहावरा बोलते हैं कि आगे ला के रखे, मीन के 25 स्विमर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी स्विमर 25वें नंबर पर आया। उनका नाम है अहमद दुरानी और एक हमारी फीमेल स्विमर है जहां आरा, वो 30 में से 26वें नंबर पे। एक खबर ऐसी है जिससे भारत देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वो है पेरिस ओलंपिक से बहुत बड़ी खबर। और पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल मिला है और ये भारत के लिए खुशी की एक बड़ी वजह है। दूसरा मेडल मिला है और दूसरा मेडल। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ सात एथलीट्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद 7 थी, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तादाद इसमें 11। मेरा सवाल यह है कि 26 लोग अगर उसमें इसमें स्विमिंग में हिस्सा ले रहे हैं 200 मीटर में, हाँ। अगर मैं तैरते तैरते एक घंटे बाद भी पहुंचूंगा तो फिर भी मेरा नंबर 26वां ही होगा ना, हाँ। तो फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए कुछ जाहिर है उसके मेरिट्स होते हैं जो जिस पर आना होगा। खैर, आलमी इवेंट की शूटिंग मुकाबलों में जैसे कि अशफाक पहले ही बता चुके हैं कि गुलफाम और किशमाला अपनी जगह नहीं बना सके। सिंगल के बाद टीम इवेंट में भी दोनों एथलीट नाकाम रहे। पाकिस्तान की जोड़ी 17 में से 14वें नंबर पर रही। शूटर्स के बाद स्विमर्स भी खाली हाथ रहे। अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल बीट्स में आखिरी नंबर पर रहे और इसी तरीके से स्विमर जहां आरा का सफर भी तमाम हो गया और वो 30 में से 26वें नंबर पर पर इस वक्त ओलंपिक्स की बहार है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया भर में एक इकलौता ऐसा देश है जो हर फील्ड में, हर जगह पर, हर कोने पर, हर स्थान पर वो अपनी नाक घुसेड़ देता है और वहां पर अपनी नाक कटवा कर तभी वापस आता है। और इसकी ये आदत अब इनके लोगों को भी पता चल रही है, इनकी मीडिया को भी पता चल रही है। लेकिन अब क्या करें, ये लोग कुछ करने लायक नहीं है क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, सरकार के हाथ में तो कुछ है नहीं। सारा दारोमदार जाकर डिपेंड हो जाता है पाकिस्तानी आर्मी पर और पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में शांति हो, पाकिस्तान के लोग खुशी से रह सकें और पाकिस्तानी लोग खुशहाल हो सके। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी जो है कभी नहीं चाहने वाली है। और इनकी आर्मी ये भी नहीं चाहती है कि कहीं पर कोई शांति व्यवस्था कायम हो और ताकि इनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बंद हो जाएगा उस दिन से। और यही कारण है दोस्तों कि ये किसी भी चीज में आगे नहीं जा पा रहे हैं। अब इनकी क्रिकेट में आप देखिए कितनी धुलाई हुई, चारों तरफ इनकी बेइज्जती हो रही है, चारों खाने चित पड़े हुए हैं। और इसके बाद में इन्होंने ओलंपिक में क्या धूम मचा दिया, क्या गंदगी फैला दी, क्या गोबड़ कर दिया इन्होंने। इनकी इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश और उसमें से इन्होंने 7 खिलाड़ी जो है वहां पर भेजे पेरिस ओलंपिक में खेलने के लिए। और इसके अलावा और आप सोने सुहागा देखिए कि 7 खिलाड़ी के पीछे 11 इनके अधिकारी गए हैं केवल मौज करने के लिए, ऐश करने के लिए। अब 7 खिलाड़ी जा रहे हैं, 11 अधिकारी जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया इस चीज को देख कर इन पर थूथू कर रही है और जलील कर रही है। इनको कैसे लोग हैं बताओ पाकिस्तानी कि इस तरह से इनके यहां पर काम हो रहा है। अब ये जो 7 खिलाड़ी भी गए थे, ये भी हर खेल में, जितने खेल में ये स्पेशलिस्ट थे, वहां पर जाकर सबसे पीछे आ रहे हैं और इसके वजह से अब इनको बाहर भी निकाला जाने वाला है। और इस तरह से ये खेल खेल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट बनाए हैं, जितनी भी शाखाएं इनके यहाँ पर चल रही हैं खेल के हवाले से या किसी भी चीज से, वो सिर्फ और सिर्फ केवल इनके लोगों के लिए, इनके अधिकारियों के लिए और इनकी आर्मी के लिए केवल एक समझ लीजिए आपकी कमाई का जरिया बना हुआ है। इनके अधिकारियों के ऐशो आराम का जरिया बना हुआ है, इनकी अय्याशियों का जरिया बना हुआ है। ना कि ये कोई काम कर रहे हैं, ना कि ये कोई काम करवाना चाहते हैं और ना ही कोई इन्हें इस चीज से इत्तेफाक है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी कुछ नाम रोशन कर सके, कुछ इनका भी नाम हो या पाकिस्तान का नाम हो, क्योंकि इनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है इनकी आर्मी को कि केवल पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तानी लोग टेरर एक्टिविटी में शामिल रहे और किस तरह से हम चारों तरफ अपने टेरर एक्टिविटी को फैलाएं, पूरी दुनिया में टेरर एक्टिविटी फैलाएं ताकि कोई भी देश सुख से ना बैठ सके, ना कहीं पर शांति हो सके और हम उस चीज में पैसा कमाते रहें। क्योंकि यदि अगर आर्मी के हाथ में किसी देश का जो है कंट्रोल होता है तो वो आर्मी अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और साथ में चाहेगी कि कितना से ज्यादा मुनाफा हम कमा सके। और ये मतलब ये पूरी रियलिटी है। आप कभी भी आप इतिहास में देख लीजिए कि जब भी आर्मी ने किसी देश को अपने कंट्रोल में किया है तो वो देश कभी शांति से बैठा ही नहीं है और ना ही वहां के लोग शांति से बैठ पाए हैं। चारों तरफ उसने केवल कोहराम मचा कर रखा है और यही कारण है कि पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। किसी भी खेल में ये जाते हैं खेलने तो वहां पर केवल इनकी नाक कटती है, इनके देश का नाक कटता है, लेकिन इन सब चीजों से पाक आर्मी कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना है। इनका लेना देना सिर्फ डॉलर कमाने से है और चारों तरफ टेरर एक्टिविटी करने से है और अपने देश में ही दहशत फैलाए रखकर अपने यहाँ पर अपने ऊपर किसी को हावी ना होने देने से है। तो चलिए चलते खबर की ओर, देखते हैं किस तरह से इनकी मीडिया रो रही है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भी आर्मी ने किसी देश को अपने कंट्रोल में किया है। अरे हैं हमारे एथलीट्स, एक तो अफसोस के साथ कि सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब
पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो स्टार्ट हुआ है अगरचे, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही। जो स्विमर हैं जो आखिरी नंबर पर पहुँचे हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ एफर्ट तो किया होगा, लेकिन मैंने सदब से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एक घंटे बाद भी 200 मीटर में पहुँचता तो तब भी मेरा नंबर आखिरी होता ना, कोई चेंज तो नहीं कर सकता था उसे। हम जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखें अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, 240 मिलियन लोगों पे 7 एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, 11 ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं, क्योंकि पेरिस में घूमने फिरने में तस्वीरें खिंचाने में उनको भी मजा आएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि खुशहाल मुल्कों का दस्ता कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में 26 मिलियन की आबादी है और 460 का स्क्वाड है, और न्यूजीलैंड में सिर्फ 5.1 मिलियन। हम लोग तो मजाक से कहते हैं ना, जो कि हकीकत है, हम लोग बार बार कहते हैं कि भेड़े ज्यादा है इंसान कम है, यानी शीप्स ज्यादा है वहां पे इंसान कम है। 5.1 मिलियन की आबादी पे 195 का स्क्वाड किया है और यहाँ 240 मिलियन पे 7 एथलीट्स। क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं, और जो खेलते हैं उनको तो बखूबी अंदाजा है, और क्रिकेट का भी जो हाल है वो हम हमारे सामने है, उसके ऊपर भी जो हमने चांद चढ़ाए हैं वो भी हम सबको पता है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कि एक बॉडी है जो ओलंपिक के सब यूनो के मैटर्स को देखती है, खेलों को देखती है, उसके जेरे उसके नीचे 34 फेडरेशन हैं, यानी पाकिस्तान में 34 स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। उन 34 स्पोर्ट्स के अंदर 15 फेडरेशन ऐसी हैं जिनके सरबरा फौज से हैं, और ये अगेन मैं किसी एक डिपार्टमेंट के खिलाफ वीडियो नहीं कर रहा, बट मैं एक पर्पस बताना चाह रहा हूं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो सरबरा 2004 से लेकर 2024 तक जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब थे, और इस पूरे टेन्योर में यानी 20 साल में पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता। 25 करोड़ की आबादी है मुल्क की, और उसमें से सिर्फ 7 खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक मुकाबलों में, और इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में अगर इस संजीदगी का ये आलम हो कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हों और ऑफिशल्स की तादाद उससे ज़्यादा हो, तो फिर मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता, तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल के खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी जी 25 करोड़ है, हमारे दस्ते में सिर्फ 7 लोग थे। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ है, उनके दस्ते में 29 लोग थे। ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है और उनके दस्ते की अगर आप देखें यहाँ पे तादाद कितनी है 277। अमरीका में 33 करोड़ लोग बसते हैं, 592 एथलीट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं। साउथ कोरिया सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं साउथ कोरिया में, और उनकी जो कंटिजेंट है उसमें 142 लोग हैं। केनिया में 5 करोड़ की आबादी है, यानी कि हमसे 1/4 तकरीबन, और उसमें 72 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में 3 करोड़ लोग हैं जी, और उसमें 16 लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। मलेशिया में 3 करोड़ आबादी है। ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की सिर्फ 50 लाख लोग हैं, लेकिन 195 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की या तनजली और उसके मुआशरे के अंदर क्या सेहतमंदाना रुझान है उसमें उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसमें आर्ट्स, कल्चर और खेल में कितने ज्यादा लोगों की पजीराई की जाती है। शरफ साहब ने अपने उनके दोस्त थे और उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है हवाले कर दी। पाकिस्तान कोई भी फॉरेन मिनिस्टर उठा के देख लें, उनसे ज्यादा जनरल आरिफ हसन के पासपोर्ट के ऊपर वीजे लगे हुए और टूर्स हैं बाहर के, बस यू नो के लाइन लाइट और सब सुकून के साथ मौज मस्ती, कोई मसला नहीं है। बाकी बच्चों को जो ब्लाइज किया वो तो दूर की बात है ना, 20 बरस रही हैं, अभी भी पाकिस्तान की फेडरेशन बरसों आप गिन लें, कोई 15 साल कोई 20 साल जिनके सरबरा 34 में से 15 के सरबरा फौज से हैं। और अगेन माजर के साथ मेरा मकसद ये नहीं है कि फौज से हैं तो मैं इस पे बात करूं, भले अगले 20 साल पाकिस्तान कुछ ना ले सकता हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, जनरल साहब की नौकरी सलामत रहे, ये ओलंपिक्स तो आते जाते रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माजर के साथ ये पाकिस्तान का हाल है, और आज लोग चीखो पुकार कर गेम होती है इंफरादी तौर पर जो खेलें जिनमें खिलाड़ी शिरकत करते हैं उनका और तरीकाकार है, जो टीम गेम्स हैं उनमें और तरीकाकार है, तो पाकिस्तान में असल में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि लगभग 25 करोड़ का मुल्क हो और 7 खिलाड़ी आपके वहाँ पर ओलंपिक में शरीक हो, तो ये सोचने की बात है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, चारों सूबे जो हैं उनकी सूबाई वजारतों के लिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबों की जिम्मेदारी है।
एक आईपीसी मिनिस्ट्री है जो कि उनको ऊपर से देखती है वफाक में। राणा साहब वहाँ पर मिल रहे हैं लोगों से जो पाकिस्तान के मुशीर हैं वज़ीर आज़म की और उस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, तो वो वहाँ पर मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि वो कुछ ऐसी चीज़ें देख कर आएँ जिससे उनको कुछ लगे कि पाकिस्तान की खेलें पीछे क्यों हैं, तो वो उसको बेहतर करने के लिए कुछ इकदाम करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर उसका कोई इम्कान नहीं है, मुश्किल होगा, लेकिन ये ठीक है, चार साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं, लोग चार साल के बाद उसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन मजमू तौर पर पाकिस्तान में वो खेलों का वो माहौल नहीं है जिसके ज़रिए आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और यही आपको ओलंपिक में नज़र आ रहा है कि अगर आपके स्विमर हैं, अगर आपके शूटर्स हैं, अगर आपके जितने भी तीन या चार तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो खेले हैं जिनमें शरीक हो रहा है, और अगर उनमें सब में आप अगर आप अपनी कारकर्दगी देखते हैं तो यही है ना कि आखिर में आ रहे हैं, आखिर में आ रहे हैं, तो आखिर में आ रहे हैं। तो आज तक तो किसी ने यही श्रिंक होता गया ना पाकिस्तान का दस्ता, अगर दस्ता कम 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 होता चला गया, अगर किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान के दस्ते में कमी क्यों आ रही है, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है मेडल जीतते हैं या नहीं जीतते, वो जो घूमने फिरने गए हैं घूम फिर के वापस आ जाएंगे।